जान सिफारिश तो करता हमारी, देता वो हमको बताओ। 5 मिनट नहीं हुए जॉगिंग को गए हुए और ये इतना सारा पसीना। अरे पसीना नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, आज मौसम की पहली बारिश गिरी है, मैं तो बाहर गया ही नहीं, थोड़ा भीग के आ गया बस। मुझे बारिश बहुत पसंद है, और पता है अब कहते हैं कि मौसम की पहली बारिश में नहाने से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी बारिश में नहाने से, सिवाय एक के, वो है काम चोरी की बीमारी। चुप कर, मैं जा रही हूँ बारिश में। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कोई काम वाम तो है नहीं, जाओ नहाओ जाके जाओ। नौकरानी समझ रखा है मुझे, काम तुम करो मैं जा रही हूँ। पागल तो, देखो 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 बरसात की। मीरा मीरा। हाँ हाँ क्या बात है बोलो। यार तुम्हारी माँ पागल हो गई, बाहर गई है बारिश में नहाने, बीमार हो जाएगी यार, रोको उसको। She's gone mad or what? मीरा प्लीज, तुम इस साल ना अपनी माँ चेंज करो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो फिर क्या बोलूँ मैं यार, She's gone out to have a bath in the rain. वर्मा साहब, ओह आंटी की तबीयत तो ठीक है मीरा जी? बिल्कुल ठीक है सर, क्यों पूछ रहे हैं आप? वो बारिश में कूद कूद के नहा रही है वो। हाँ दरअसल सर उन्हें बारिश में भीगने का बहुत शौक है। मुझे भी बहुत शौक है मीरा जी, आई लव रेन्स, इट्स सो रोमांटिक, इट्स रियली रोमांटिक। माय गॉड इमेजिन मीरा जी, इमेजिन एक जवान लड़का जवान लड़की और बीच में एक छोटी सी छतरी और बारिश की छींटे उसके लड़के के कंधे पड़ रही हैं, लड़की का कंधा भीग रहा है, एंड दे आर सो क्लोज, इट्स सो रोमांटिक मीरा जी, सो रोमांटिक। सर ये सब होता होगा लेकिन मुझे क्या पता, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। आई अंडरस्टैंड मीरा जी, आपने शादी जो की है ओल्ड मैन के साथ, अगर आप उनके साथ भीगेंगे बारिश में बीमार पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके पास एक स्पेयर अम्ब्रेला है क्या? हाँ सर है ना, ये है, मैं अपनी लाना भूल गया मीरा जी। ओह आई सी। भाई वर्मा साहब, कुछ लोग अपनी अम्ब्रेला जानबूझ के घर में भूल के आते हैं ताकि दूसरों की बीवियों की छतरियों में वो घुस जाए। सर ये सपना थोड़ी आ रहा था कि बारिश हो जाएगी। आगे आई कांट रियली हेल्प इट, यू नो आई डोंट माइंड, आई मैनेज इट। मीरा जी छतरी ना? नहीं, इनकी छतरी बहुत ही छोटी है और लेडीज छतरी है बहुत छोटी है, ओनली फॉर वन पर्सन। आप ये अलग छतरी ले लीजिए, इसमें जाइए। ओह लवली, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आइए मीरा जी, लेट्स गो टू द ऑफिस। अच्छा बाय बाय बाय, गुड डे सर, बाय बाय। मैं तो जाऊंगा उनकी छतरी में। ये देखो 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 की छतरी। आइए मेरा जी, लेट्स गो। सर सर अरे मम्मी क्या कर रही हो तुम, बच्चों की तरह बारिश में भीग रहे हो। मीरा बेटी वर्मा में तो सुंदर आ जाओ ना, पहली बारिश में भीगने का कितना मजा आ रहा है। भीगने दीजिए भीगने दीजिए, कहते ना बच्चे बूढ़े बराबर होते हैं, सर अल्लाह बेहतर जानता है कितनी जिंदगी बची है इनकी। नो क्या बात है, माँ इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, अंदर जाओ। मीरा जी अपनी छतरी खोल लीजिए और लेट्स गो। सर छतरी खुली हुई है लेकिन आपकी छतरी कहाँ, जो डार्लिंग ने आपको दी थी? अब मीरा जी बातों बातों में वही भूला है मीरा जी, मैं चलिए भेज जाना है कल मैनेज। आइए आइए। अच्छा बेटा, इसलिए अपना छाता अंदर फेंक के आया था ताकि मेरी बीवी के लेडीज छाते के अंदर घुस के उसको लाइन मार सकता। मीरा जी जी, सिचुएशन में मुझे एक गाना याद आ रहा है, अभी बताता हूँ। हाँ वो है ना, वो प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता। खुर्दार ये आप अपनी छतरी ऊपर ही भुलाए थे। जी जी आंसर में भुलाया था। लीजिए लीजिए, थैंक यू। इस बीमारी का इलाज करवाइए वरना बहुत जल्दी ब्लैक फिल्म के बच्चे हो जाएंगे। या आइए लेट्स गो मीरा जी। सर आपका छाता। ओह यस आइए आइए सर आइए आइए। हाँ शर्मा जी, नहीं 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 नहीं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहीं शर्मा जी, बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम लोग अंदर काम ही नहीं कर रहे हैं ना आज। हाँ बाहर बारिश हो रही है। मोहन जी ये लीजिए इलायची वाली गर्मा गर्म चाय। सद्दू क्या बारिश पड़ रही है बाहर, कुछ पकौड़े मिल जाते हैं तो मजा आ जाता है दोस्त। मोहन जी इस बारिश के मौसम में मीरा मैडम को कहीं बाहर लेके जाने का इरादा है या नहीं? सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए खंडाला निकल जाऊंगा। तुम भी जा रहे हो कोई बीवी के साथ? नहीं नहीं नहीं, पिछली 26 जुलाई में गया था सुंदरी को लेके बाहर, इतना पानी भर गया उसको बचाने के लिए मैंने बोट मंगवाई, जैसे बोट में बैठी बोट डूब गई। गुड मॉर्निंग मोहन जी। गुड मॉर्निंग। दोनों साथ में, क्या बात है। वो क्या है ना मोहन जी, भरत ने मुझे लिफ्ट दी थी। हाँ भाई भरत तो हमेशा तुम्हें लिफ्ट देता ही रहता, लेकिन तुम ही उसको लिफ्ट नहीं देती हो। क्या मोहन जी आप भी। भरत भरत बाइक पे आया, बाइक पे। हाँ रास्ते में गड्ढे हुए, गड्ढे बात है ना, मजा आया। क्या है का मोहन जी, आरती साइडवेज बैठी थी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, अभी अभी मौसम विभाग ने सूचना दी है कि आज बड़ी जबरदस्त बारिश गिरने वाली है।
आपको पगार मौसम विभाग नहीं एड क्राफ्ट देता है, समझे? सर हाफ डे दीजिए ना। क्यों? पानी भर गया ना, घर कैसे जाएंगे? तैर के चले जा रहा है। या यार तू किससे बात करता है? पार्टी देखे तो बात क्या करता है? ए हीरो कहां से आई? अरे मैं सेल से आ रही हूँ, पता है क्या लेकर आ रही हूँ? छाता, बड़ा छॉपर है, एक छाते के साथ 5 साल के बच्चे का रेनकोट फ्री। रेनकोट फ्री? ए मुझे दे देना, मेरा मुंटू पहन लेगा, तेरे तो बच्चे है ही नहीं। तुम्हें क्यों दूं? जब मुझे रेनकोट मिल ही गया है तो बच्चे भी पैदा कर लूंगी। वाह वाह क्या औरत है, छाते के साथ रेनकोट मिला है इसलिए बच्चा पैदा करेगी। शुक्र है इसको छाते के साथ रेजर नहीं मिला, वरना शेव करनी शुरू कर देती। काश काश ऐसा हो कि मैं और मीरा जी बारिश में भीग भीग के गाना गाएं, रोमांटिक, इट विल बी फन मैन। मौसम विभाग की तरफ से आप सभी मुंबई वासियों को ये चेतावनी है कि आने वाले 24 घंटों में मुंबई और आसपास के सभी इलाकों में जैसे पूना, लोनावला और खंडाला में जोरदार बारिश होने की संभावना है, इसीलिए सावधान रहे। दिस इज कॉल्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या मजा आए, मैं और मीरा जी खंडाला जाएं, तूफानी बारिश हो जाए, हम वहां फंस जाएं। लेकिन कौन सा आइडिया अपनाओ कि वो मेरे साथ चले, मेरे साथ चले? कौन सा आइडिया अपना के किसको कहां ले जाना चाहते हैं आप? बीवी को सर घुमाने के लिए। तो आपकी बीवी है, उसमें आइडिया की क्या जरूरत है, उनको कहो चलो घूमने चलते हैं। हाँ सर मुझे याद आया, वो खन्ना साहब जो हमारे क्लाइंट है ना, उनका फोन आया था, बड़े वर्कडअप थे, कह रहे थे कि वो जो खंडाला में होर्डिंग्स लगे हैं ना, उनके कलर फेड हो रहे हैं सर। कैसे भाई? सर बारिश से हो रहे हैं सर, और क्या। तो कुछ कीजिए भाई। सर मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, बिकॉज क्या है सर कि वो दोबारा से वो पेंट कराना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और लेकिन क्या एक और प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्सेप्ट है मीरा जी का कॉन्सेप्ट है, वो एक्सप्लेन करेंगे पेंटर को, मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, कुछ दिखता नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, सर कमर्शियल की मिक्सिंग हो गई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू भाई। मीरा जी अच्छा हुआ आप आ गई। आप वर्मा जी के साथ खंडाला जा सकती हैं? क्यों सर? वो क्या है कि खंडाला में जो हमारे होर्डिंग्स लगे हैं ना, उनके कलर फेड हो रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा उनको रेक्टिफाई करने के लिए। अगर आप चले तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज कॉन्सेप्ट आप ही का है, आप ही एक्सप्लेन करेंगे पेंटर। लेकिन सर इतनी बारिश में कैसे जा सकते हैं हम? हाँ मजाई, मेरी तो कमिटमेंट, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। सर कमिटमेंट तो मेरी भी है सर, मुझे भी आना पड़ेगा। और ठीक है सर, मैं वाइंड अप करके आपको ज्वाइन करती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे ये क्या कंपनी वाले काला बॉक्स बनाने लगे क्या? काला नहीं है सर, ये ब्लू है, ब्लू। काला है ब्लाइंड, ये ग्रीन है, ये ग्रीन बोलते हैं, कलर ब्लाइंड ही है, ये पिंक है। मीरा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता है कि तुम क्या सुन रहे हो? मैंने सुना है कि तुम वर्मा साहब के साथ खंडाला जा रही हो। हाँ जा रही हूँ, पिकनिक के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं काम के लिए जा रही हूँ। तुम जानती हो मौसम विभाग ने चेतावनी दिया है कि बड़ी जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने वाली है, कोई भी शख्स अपने घर से ना निकले, और तुम खंडाला जा रही हो? अरे इमेजिन करो, रास्ते में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, खंडाला घाट पे वर्मा साहब की गाड़ी खराब हो जाती है, सामने एक पेड़ गिर जाता है, वो तुमको बाहर निकालते, एक साइड में लेके जाते हैं, वहां पर एक पुराना मंदिर है जिसके पीछे गुफा है, वर्मा साहब तुम्हें गुफा के अंदर ले जाते हैं, मीरा उसकी छत से पानी टप 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 टपक रहा है, तुम दोनों के बदन भीग जाते हैं, तुम दोनों के बदन ठंड के मारे कांपने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद बिजली कड़कती है, फिल्मी। स्टॉप स्टॉप, तुम दोनों, तुम्हारी इमेजिनेशन और हमारी रियलिटी टोटली ऑपोजिट है, क्या बोल रहे हो तुम? मीरा जी आर यू रेडी? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर सुना क्या मैडम के साथ खंडाला जा रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? मैं चलूं आपके साथ? क्या करेंगे आप मेरे साथ जाके? वही जो मैडम करेंगी, शी विल गिव मी सजेशंस। वो सजेशन मैं आपको देता हूँ ना। मेरे दिन इतने बुरे नहीं आए कि मैं आपसे सजेशन लूं, समझे आप? मीरा जी बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, हमें गाड़ी तक भाग के जाना पड़ेगा, गिव मी अ हैंड। हटिए, आइए मीरा जी। बादल क्यों कर रहा है? एक्सक्यूज मी सर, सर गाड़ी तो नीचे, आपने अभी से हाथ पकड़ लिया मैडम को। प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आइए मीरा जी, लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। बादल क्यों कविता मैडम, यस। हेलो कविता मैडम, मैं बोल रहा हूँ मोहन जी, आपको पता है अभी अभी वर्मा साहब मीरा मैडम को लेकर खंडाला चले गए मैडम, खंडाला। क्या इस विनोद के बच्चे को तो है ना सबक सिखाना होगा। मोहन जी मैं विनोद को ढूंढने जा रही हूँ, आप आ रहे हैं मेरे साथ? यस मैडम, प्लीज पिक मी अप फ्रॉम द ऑफिस। ओके ओके। हाय जूली, क्या तुम होटल लवबर्ड में पहुंच गई हो? अरे वाह 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 वाह, नहीं नहीं मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ क्या बारिश? अरे बारिश भी है, पानी भी भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम मैं नेशनल लेवल का स्विमर हूँ, तैरते तैरते पहुंच जाऊंगा। हाँ तुम एक काम करो, सामने की दुकान है ना, वहां से फाफड़ा कचौरी जलेबी वगैरह सब मंगा के रखो, चाय के साथ खाएंगे पिएंगे, बहुत मजा आएगा। ओके जूलिया।
माय गॉड, बारिश कितनी बारिश। मोहन जी आप बीपी सर से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ना बाहर कितनी बारिश हो रही है, हम लोग घर कैसे जाएंगे? मोहन जी मैं टेरेस से आ रहा हूँ, बहुत बारिश हो रही है। क्या? अरे यार कितनी बार बोला, बुड्ढे को बुड्ढा सुनता ही नहीं है मेरी बात। कौन सा बुड्ढा आपकी बात नहीं सुन रहा? सर मैं कंपनी के वॉचमैन के बारे में बोल रहा हूँ सर, उसको इतनी बार बोला है कि कंपनी का मेन गेट बंद कर दो, मेन गेट बंद कर दो, अंदर पानी आ जाएगा, मगर वो बुड्ढा सुनता ही नहीं है। मोहन जी हमारा वॉचमैन 20 साल का लड़का है, मैं उसको प्यार से बुड्ढा बुड्ढा बोलता हूँ सर। सर हम लोग को छुट्टी दे दीजिए ना प्लीज सर, हम लोग घर कैसे जाएंगे? जगह जगह पानी भरा हुआ है, फंस जाएंगे सर। सबके सब काम छोड़ो, घर जाने के बहाने ढूंढते हो, काम करो यहाँ पर, और अगर फंस गए ना तो तैरते हुए निकल जाना, अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं अपनी पीठ पे लान के ले जाऊंगा, नेशनल लेवल का स्विमर हूँ मैं। चलो चलता हूँ। लेकिन सर, सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपकी तरह काम छोड़ रही हूँ, कमिटमेंट है मेरा, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, नरीमान पॉइंट। वो आएगा वर्ली से तैरता हुआ और मैं जाऊंगा जो से तैरता हुआ, समझे? सर सर मत जाइए, डूब जाएंगे आप। अगर ऑफिस से बाहर कदम रखाना तो गोली मार दूंगा, याद रखना। अजीब आदमी है यार, मोंजी कुछ कीजिए ना। क्या करें? एक मिनट जरा न्यूज देखते हैं यार कि कहां कहां पानी फंसा हुआ है। चलिए चलिए। एक विशेष सूचना, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। देखा? खंडाला में हालात बहुत खराब है, वहाँ भूस्खलन होने की वजह से हाईवे जाम है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, और वर्मा साहब इस नागवार मौसम का पूरा पूरा फायदा उठाने वाले हैं मीरा के साथ। मैं खंडाला कैसे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा? और ये कविता मैडम भी अब तक नहीं आई है। मोहन जी सॉरी, लेट हो गया। मैडम इतनी देर लगा दी आपने। मोहन जी क्या करूं, कितना ट्रैफिक जाम है, हर जगह पानी भरा हुआ है, जैसे तैसे पहुंची हूं यहां तक मैं। आइए मैडम लेट्स गो। मोहन जी रुकिए, आपको खंडाला में जो होर्डिंग है उसका एड्रेस पता है? नहीं नहीं तो फोन करके पूछो ना खन्ना साहब से। यू आर राइट, वरना कहां फटकेंगे यार इतनी बारिश में। हेलो खन्ना साहब, मैं मोहन बोल रहा हूँ, एयरक्राफ्ट हूँ। अच्छा सर आप खंडाला जा रहे हैं, उठे थोड़ी होर्डिंग है ना, उधर पेंट शेंट निकल गया तो ठीक ठीक करना आप। वर्मा साहब ऑलरेडी निकल गए ना, आप उठे जाना पीछे पीछे। कुछ नहीं निकलेगा, पेंट बिल्कुल ठीक है, ते वर्मा साहब ऐसा कितने चले गए उठे, मतलब ऐ नहीं कह रहे। ओके सर, समझ गया सर, मैं समझ गया। मोहन जी ऐसा कहते मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं हुआ वहां पर, पेंट वेंट नहीं निकला, वर्मा साहब ड्रामा कर रहे हैं। विनोद को छोड़ूंगी नहीं, चलिए चलिए आप चलिए। बहुत जोर से बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं। ये मीरा और मोहन कहाँ रहेंगे? ये तो फोन भी डेड है, बहुत डर लग रहा है। माजी मैं हूँ आपका धोबी राम कटोरा। राम कटोरा, अरे तुम अंदर कैसे आ गए? अरे क्या बात कर रहे हैं माजी, आपने दरवाजा खुला जो छोड़ रखा है। दरवाजा खुला? हाँ हाँ बेटा, वो इसलिए कि देखो बारिश हो रही है, अगर बिजली गिर गई तो मैं भाग तो पूरा घर से बाहर। अरे अरे नहीं माजी, आपने यही तो गलती कर दी है। हा? आपको याद नहीं है पिछले 26 जुलाई को जब ऐसी बारिश हुई थी तो हमारी पड़ोस वाली खन्ना आंटी है ना, उनके घर भी ऐसे कोई सहारा मांगने के लिए आया और उन्हीं का गला दबा दिया। ऐसे चिल्लाई थी, मैं जाता। कटोरा बेटा एक काम करना, आज तू यही रह जाना बेटा, मैं तुझे तकिया बिस्तर सब दूंगी, खाने के लिए दूंगी, पीने के लिए दूंगी, मिठाई दूंगी, सब करूंगी बेटा। नहीं माँ जी क्या बात करिए, हमारी जोरू राम कटोरी घर में अकेली होगी, उसने भी ऐसे किसी को रुका दिया तो मैं जाता हूं। नहीं तो मैं क्या करती हूं, एक काम करती हूं ना, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर लीजिए आप, दरवाजा। सही बात कर रहे, दरवाजा तो बंद ही रखना चाहिए, ऐसे थोड़ी दरवाजा खुला रख के बैठ जाए, कोई भी अंदर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मैं अकेली। कोई फोन नहीं लग रहा है सर, धूप कोई फोन नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे मालूम पड़ेगा बाहर क्या हालात हैं। क्या कर, टीवी ऑन करता हूँ। राज्य में मूसलाधार बारिश ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सभी को फिर से ये चेतावनी दी जाती है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। बाप रे मोहन जी अब क्या होगा, हमारे यहाँ तो झोपड़पट में पानी घुसा होगा, 10 बच्चे बह गए होंगे, सामान बह गया होगा। अरे कम ऑन साधु, डोंट पैनिक यार, हिम्मत से काम लो, इट्स अ नेशनल कैलेमिटी एंड फॉर गॉड्स सेक डोंट स्प्रेड रूमर्स। अरे लगता है टिंग जगह पे आ गए, पकड़ो ए टिंग तरस मगर। ओए सुनो साहब लगाओ। अरे कौन है, कौन है, कौन है भिखारी? चलो 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 बाहर चलो। भिखारा नहीं है, आपके ऑफिस में काम करता है, इसके जेब में ये देखो कार्ड मिला। लच्छू पटेल कौन है यार? अरे अपने वीपी साहब है। वीपी साहब, ओह माय गॉड इनकी ये हालत, लेकिन ये तो बहुत बड़े स्विमर थे यार।
अरे काहे के स्विमर साहब, ये हमारे यहाँ नाले में अटक गए थे, इनकी वजह से पूरी लाइन चौकअप, हमारे बस्ती में पानी, इनको बाहर निकाला तो बस्ती को राहत मिली। बख्शीश नहीं, इसी को लेके जाओ, जा ले जाओ इसको। एक काम कर, अंदर लेके जा और फिनाइल मार के नहला धुला इनको, उसके बाद पाउडर लगा और दूध पिला के सुला दे। मोहन जी, अगर विनोद भी इसी तरह नाले में फंस गया होगा तो? अरे मैडम, वर्मा साहब की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, वर्मा साहब फंसने वालों में से नहीं है, वो फंसे हुए लोगों पे पांव रख के बाहर निकलने वालों में से है। भारी वर्षा के चलते मुख्यमंत्री ने जनता से ये विनती की है कि कल तक कोई भी घर से बाहर ना निकले, जो जहाँ है वही रहे। ओ मैडम, मैडम कमाल हो गया, ये तो मतलब इतनी बारिश ना कभी देखी ना सुनी, कभी ना कभी झेली। मुंबई के लाखों लोग रोड पे खड़े हैं, कोई किसी को चाय पिला रहा है, कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, माइक और बड़ा पाव खिला रहा है। मैडम बुरी हालत है, पूरा मुंबई डूब गया मैडम। भारत, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराती क्यों आरती, मैं हूँ ना, इसीलिए तो डर लग रहा है। उन लोगों के पट्टे तो रोमांस कर रहा है, यहाँ पर मालूम है कितनी बुरी हालत है, बाहर पूरा शहर डूब गया, हजारों गाड़ियां खड़ी है मैडम, कोई बाहर निकल नहीं पा रहा है, लोग बोट में चल रहे हैं। मोहन जी सुन लिया हमने, अब आगे क्या करना है? करना क्या मैडम, यही सुना पड़ेगा रात को, वी ऑल हैव टू स्लीप हियर। सो तू एक काम करो बेटे, सबके सोने का जुगाड़ करो। मोहन जी कहाँ से चद्दर लाएंगे, कहाँ से तकिया लाएंगे? गधे, पर्दे खींच, उनको चद्दरें बनाओ और पुरानी फाइलें निकालो, उनके तकिए बनाओ। चल मोहन जी क्या है? आरती कहाँ सो रही है? आरती वो सामने। अच्छा तू रात भर यही सोएगा मेरे साथ? सो जा। पता नहीं शहर का क्या हाल है। नमस्कार, कल से हो रही भारी वर्षा सुबह 6 बजे के करीब थम गई है, पानी का स्तर नीचे उतर गया है, लेकिन अब भी कई इलाकों में पानी भरे होने और लोगों के फंसे होने की आशंका है। शुक्र है लोग अपने अपने घर तो पहुँच जाएंगे। आ गए, रात भर कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे आप? क्या आवारागर्दी, रात भर ऑफिस में था। ऑफिस में ये बताओ मीरा आई कि नहीं आई? नहीं आई। अरे वो कल रात खंडाला गई है ना वर्मा बेटे के साथ, रात में उसका फोन आया था, मम्मी बारिश बहुत है नहीं आ सकती। अरे मैंने कहा टेंशन क्यों लेती है, वर्मा बेटा है ना साथ में, वही रात में रुक जा किसी अच्छे होटल में उसके साथ। क्या कर दिया? अरे नहीं, मेरी मीरा चली गई, कभी ऐसा हो सकता है? मोहन मीरा तुम गई नहीं, अभी अभी सासू माँ ने कहा कि तुम खंडाला में हो। मोहन मम्मी तुमसे मजाक कर रही थी, वर्मा साहब ने कहा था खंडाला चलो, लेकिन पानी इतना भर गया था कि जान की बाजी लगाकर तुम्हारी मीरा कल शाम को ही घर पहुंच गई। वाओ सो स्वीट। एक मिनट। हेलो मीरा जी, मैं कविता बोल रही हूँ, विनोद है आपके साथ, वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। क्या वर्मा साहब अभी तक घर नहीं पहुँचे? लेकिन मैंने उन्हें कल शाम से देखा ही नहीं है। क्या? अगर पता लगेगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, पता नहीं वर्मा साहब कहाँ रह गए। बेटा ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, एबीसी चैनल से दीपक चरस ये आपका स्वागत करता है। मुंबई शहर के कई एक इलाके में बारिश अभी भी नहीं थमी है, कल रात से लगातार बारिश हो रही है। मैं इस गटर से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मजबूरी है, मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मेरा पैजामा बह चुका है, मैं उस पैजामे को तलाश कर रहा हूँ। मैं आपसे कल रात से फंसे कई एक लोग इस गटर में फंसे हैं, मैं उनसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ। हेलो कोई है? देखिए मैं एबीसी चैनल से हूँ, आप लाइव हैं, आपका नाम क्या है? विनोद वर्मा। मीरा जी आप फाइन, आई सर्वाइव। आप बताइए कि गटर के अंदर का माहौल क्या है? गटर के अंदर का माहौल